हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से इंटीरियर जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से हाइड्रोलिक बेड का जो टॉप को लिफ्ट करने के लिए जो हम लोग हाइड्रोलिक बेड फिटिंग का यूज़ करते हैं उसको किस तरीके से लगाया जाता है प्रॉपर तरीके से, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, देख सकते हैं ये रहा हमारा बेड, जिसका जो साइज़ है ये 6 फीट चौड़ा है और इसका जो लेंथ है 6.5 फीट है। और एक साइड में दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा फिटिंग था इसको फिट किया हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं अभी एक साइड का बचा हुआ है, तो अभी दोस्तों हम लोग इसको फिट करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको फिट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे जो प्लाई रहती है हमारी बॉक्स की, उसको एक और प्लाई आपको थोड़ा सा इसको मोटा कर लेना है, क्योंकि दोस्तों जो हम लोग इसको ये हमारा जो फिटिंग है इसको लगाएंगे तो इसका स्क्रू थोड़ा सा 1.5 इंच का लगाना पड़ेगा इसको मजबूती के लिए। तो आपको इस तरीके से एक और प्लाई का टुकड़ा लगा देना है, जिसका साइज़ दोस्तों मैक्सिमम यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 फीट तक रहना चाहिए। इसके अंदर दोस्तों ये फिट हो जाएगा और इसका जो नीचे तक ये 6 इंच या फिर 4 इंच जैसा भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो भी दोस्तों इसको फिटिंग लगाने के लिए ये बॉक्स के जो हमारा अंदर का पोर्शन है उसे 2 इंच दूरी पर इसको लगाएंगे। तो एक निशान लगा लेते हैं और ये रहा दोस्तों इसका जो क्लैंप है, दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये 5 फीट का दोस्तों ये हमारा ये क्लैंप है जो कि ये फिटिंग है। इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से जो बॉक्स के अंदर साइड से 2 इंच दूरी पर, या फिर दोस्तों आप 3 इंच रख सकते हैं, आपको 3 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो टॉप आपका जो रहेगा वो लटकने लगेगा। तो अब आपको दोस्तों 2 इंच दूरी पर उसके बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रू लगा देना है इसको बराबर देख करके, और इस साइड में दोस्तों आपको थोड़ा सा डाउन कर देना है 2 फुट तक के। और आपको यहाँ पे जो हम लोग स्क्रू लगाएंगे वो हमारा 8 नंबर का SS स्क्रू होगा। दोस्तों देख सकते हैं ये रहा स्क्रू SS का, ये 8 नंबर का, इसमें मजबूत आपको स्क्रू लगाना है क्योंकि दोस्तों इस पर काफ़ी ज़्यादा वेट पड़ने वाला है। ये रहा दोस्तों इसका टॉप, जिसको हम लोगों ने अभी अभी रेडी किया हुआ है। इसको दोस्तों हम लोग इसी के ऊपर लिफ्ट करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं इस साइड का जो फिटिंग था हम लोगों ने 2 इंच दूरी पर इसको फिट किया हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं और इसको बराबर रखा हुआ है और इस साइड में हम लोगों ने 2 सूत इसको नीचे डाउन किया है। और ये रहा दोस्तों इसका गैस स्प्रिंग जो कि 175 kg का है। यहाँ पे दोस्तों इसको 2 सूत आपको डाउन कर लेना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक जो हमारा फिटिंग है इसको फिट करने का काम हमारे विनोद भाई कर रहे हैं और उनका साथ निभा रहे हैं राजकुमार, इनको आप पहचानते ही होंगे, ज़्यादातर वीडियो में ये नज़र आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों देख पा रहे हैं विनोद भाई काम में जुटे हुए हैं। अभी दोस्तों इस तरीके से आपको सिंपली यहाँ पे जितने सारे स्क्रू है आपको लगा देना है। तो ये जो हमारा इसका क्लेम का फिटिंग था कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये जो हमारा टॉप है इसका काम होगा, उसके बाद हमारा जो हाइड्रोलिक बेड है वो ओके हो जाएगा। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो।
दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्क्रू जो थे अभी ये लग चुके हैं। अभी ये हमारा जो नीचे के फिटिंग को टाइट करने का था प्रोसेस वो कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यही ध्यान में रखना है, इसको लगाने के लिए आपको यहाँ से अंदर से इसको 2 इंच दूरी पर और इसको लेवल करके आपको बराबर करके इसको लगा देना है और इस साइड में आपको थोड़ा सा डाउन कर लेना है। तो ये दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग ये जो हमारा टॉप का ये जो सिरहाने का तरफ है दोस्तों आपको थोड़ा सा इसमें देख लेना है, ये जो हमारा हेडबोर्ड की साइड में जाएगा ये है दोस्तों, और ये नीचे की साइड में है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है उस साइड में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अब इसका मेजरमेंट करेंगे, इसके टॉप में जो निशान लगाते हैं उसको किस तरीके से, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग ये जो हमारा टॉप का मेजरमेंट है उसको मेजरमेंट करके उसका होल निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारी लंबी वाली लाइन है दोस्तों देख पा रहे हैं, इसमें जो स्क्रू लगेगा उसको यहाँ पे जो हमारा हेडबोर्ड है उस साइड से माप लेंगे, और यहाँ पे इस सेंटर में दोस्तों देख पा रहे हैं 8.25 इंच है, और एक होल दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे भी है लंबा वाला दोस्तों देख सकते हैं, और ये हमारा 57.5 इंच पर है। तो सिंपली दोस्तों जो हमारा ये टॉप है जो हमारा हेडबोर्ड के साइड में रहेगा उस साइड में 8.25 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, और ये 1.57 ऐसा ही दोस्तों हम लोग दोनों साइड में कर लेंगे एक बार। ये रहा दोस्तों इसका परफेक्ट मेजरमेंट। तो ये रहा दोस्तों ये लंबाई में तो निशान लग गया है, अभी दोस्तों हम लोग इस चौड़ाई में निशान लगाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस जो हमारा एंडिंग पोजीशन है बेड का उससे यहाँ तक इसके बीच में नाप लेते हैं। अभी दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 इंच में एक सूत कम है, ये हमारा यहाँ पे बोल्ट आ रहा है, हमारा जो टॉप है वो इसका बॉर्डर 2-2 इंच बड़ा हुआ है। तो सिंपली दोस्तों आपका बॉर्डर या 1.5 इंच या 2 इंच हो कितना भी हो इसको इसमें आपको ऐड कर लेना है। तो अभी दोस्तों हम लोग इसमें 2 इंच और ऐड कर लेंगे तो हमारा जो साइज आ जाएगा दोस्तों 5 इंच में एक सूत कम आ जाएगा, और वहाँ पर 8.25 और यही साइज दोस्तों हम लोग इस साइड में भी यहाँ पे जो 8.25 इंच था और इस साइड में 57.5 था ऐसा ही दोस्तों हम लोग इस साइड में भी एक बार माप लेते हैं कि हमारा कितना है। यहाँ पे भी दोस्तों हमारा ये 2.75 इंच आ रहा है, तो सिंपली दोस्तों हम लोग इसमें 2 इंच और ऐड करेंगे तो 2.75 इंच हो जाएगा। तो इस साइड में दोस्तों हमारा जो टॉप की धार से 2.75 इंच पर निशान लगा लेंगे, और पहले जो हम लोगों ने निशान लगाया था 8.25 इंच और 57.5 इंच अब ये परफेक्ट निशान हो गया। अब इसमें दोस्तों हम लोग सिंपली होल दोस्तों देख सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने मार्क किया था अब इसमें सिंपली होल कर देंगे बोल्ट के हिसाब से जो हमारा नट बोल्ट है। दोस्तों जो हमारा टॉप में होल करने का प्रोसेस था ये कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग केवल 2-2 होल यहाँ इसके लिए और इसके लिए कर रहे हैं, बाद में दोस्तों जितना भी होल है इसको बाद में करेंगे एडजस्ट करने के बाद। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम लोग अभी दोस्तों देख सकते हैं ये रहा इसका टॉप जो कि इधर साइड में हमारा हेडबोर्ड है उस साइड में हम लोगों ने खड़ा कर दिया हुआ है। अभी हम लोग फटाफट से जो हमारा ये हाइड्रोलिक फिटिंग है उसमें इस जो हमारा गैस स्प्रिंग है इसको लगा देते हैं, दोनों साइड में आपको लगा देना है।
इस साइड में ये जो हमारा गैस स्प्रिंग था दोस्तों लग चुका है। अभी दोस्तों सिंपली हम लोग इस साइड में इस तरीके से जो हमारा इसको दोस्तों हम लोग ज़्यादातर हाइड्रोलिक पंप के नाम से जानते हैं उसको इस तरीके से इसको फिट कर देंगे। फिट करने के बाद दोस्तों सिंपली इस टॉप को इसके ऊपर रख करके इसमें जो हम लोगों ने होल किया था उसको मैच करते हुए इस स्क्रू को लगा देंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो हमारा फिटिंग, उसमें हम लोगों ने स्प्रिंग को लगा दिया है। अभी दोस्तों इस तरीके से टॉप को रख देंगे। टॉप को रखने के बाद इसका जो होल किया था दोस्तों हम लोग इसमें मैच करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं आपको इस तरीके से इसको डाल तो मैच करके दोस्तों इसका स्क्रू लगा देंगे। दोस्तों एक साइड का दोस्तों हम लोगों ने मैच किया हुआ है, अभी इस साइड को भी दोस्तों हम लोग टॉप को ऊपर की साइड में खींच के दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो दूसरा नट था नट बोल्ट था इसको भी हम लोगों ने लगा लिया है। इसको भी दोस्तों सिंपली टाइट कर दिया। अभी दोस्तों इस साइड में भी हम लोग होल को मैच कर लेते हैं। निकाल आगे तरफ जो हमारा टॉप में नट बोल्ट लगाने का प्रोसेस था ये कंप्लीट हो चुका है दोनों साइड में। अभी सिंपली दोस्तों हम लोग इसको एक बार टेस्ट करते हैं कि दोस्तों ये प्रॉपर बंद हो रहा है कि नहीं बंद हो रहा है। दोस्तों देख पा रहे हैं ये बंद हो चुका है। अभी दोस्तों देख पा रहे हैं ये जो हमारा हाइड्रोलिक बेड लगाने का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों देख सकते हैं एक बार इसको और ओपन करके आपको दिखाते हैं। बहुत इजीली दोस्तों ये ओपन हो जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं और अभी दोस्तों फिर से इसको बंद करते हैं आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों देख पा रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से ये हमारा फिट हुआ है और एक ही बार हम दोस्तों देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने जो स्क्रू लगाया हुआ था वो मार्क करके वही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी बड़ी आसानी के साथ हाइड्रोलिक फिटिंग को लगा सकते हैं। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।